Dear students, seniors, assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic from chapter Heredity and Variation, which is the fourth chapter of your life science part of subject science, class 10th. तो variations के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो what variations are? तो इससे पहले हमने ये देखा कि जो कैरेक्टर्स है या जो फीचर्स है या जो ट्रेट्स है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं. तो वहां पर जैसे कि हमने एक फीचर देखा था, मतलब हाइट के बारे में हमने बात की थी, हमने कलर ऑफ हेयर के बारे में बात की थी, हमने कलर ऑफ आईज के बारे में बात की थी, इसके अलावा हमने फेस स्ट्रक्चर की बात की थी, या हमने शेप ऑफ द बॉडी या शेप ऑफ द फेस की बात की थी. तो ये कुछ फीचर्स हैं. ये जो फीचर्स हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चले जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं. मगर यहां पर हम एक बात को याद रखेंगे कि जो ये ऑफस्प्रिंग्स है, जिनमें के ये कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, या इन ऑफस्प्रिंग्स में क्या होता है, देयर इज द इनहेरिटेंस ऑफ सच कैरेक्टर्स. तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, दे रिजेंबल क्लोजली टू देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट से क्लोजली रिजेंबल करते हैं. तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अगर हम किसी भी पेरेंट के, फॉर एग्जांपल दो ऑफस्प्रिंग्स की बात करेंगे, इनमें क्या है, दीज आर बेसिकली द प्रोजेनी ऑफ द सेम स्पीशी. बट बिसाइड्स दिस, अगर हम इन दोनों ऑफस्प्रिंग्स में देखेंगे, तो ये जो ऑफस्प्रिंग्स है, दे आर नॉट कंप्लीटली शोइंग रिजेंबलेंस इन ऑल द रिस्पेक्ट्स. हर एक हिसाब से, या इनकी हाइट में डिफरेंस होगी, या कलर में डिफरेंस होगा, या आईज में डिफरेंस होगा, या फेस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा. तो सारे कैरेक्टर्स, अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर बात करेंगे पांच कैरेक्टर्स की, पांच में से तीन सिमिलर होंगे, मगर दो जो होंगे ये डिसिमिलर होंगे. तो हम ये कहेंगे कि ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट सेम विद इन द सेम ऑफस्प्रिंग्स, और वी कैन स्टेट दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर नेवर ए ट्रू कॉपी ऑफ द पेरेंट्स, यानी कि दे आर नॉट ट्रू कॉपी ऑफ पेरेंट्स. ये अपने पेरेंट्स के हकीकी, मतलब उन्हीं के जैसे नहीं है, उन्हीं के क्लून जैसे नहीं है. कुछ कैरेक्टर रिजेंबल होंगे, मगर सारे कैरेक्टर रिजेंबल नहीं हो सकते हैं. तो ये ऑफस्प्रिंग्स है, देयर ऑकर्स सर्टेन डिफरेंस इन सम कैरेक्टर्स और इन सम ट्रेट्स, एंड दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड एज द वेरिएशंस. तो ये ऑफस्प्रिंग्स है, इनमें कुछ कैरेक्टर्स में डिफरेंस हो सकती है. इन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनको हम वेरिएशंस कहते हैं. तो हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स और हम ये कहेंगे इन द ट्रेट्स और फैक्टर्स और फीचर्स among the individuals of a species is called variation. तो ये जो difference है कुछ characters में, जिनके दरमियान, इन individuals के दरमियान एक ही species के, ऐसी डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे एक लड़का और एक लड़की, जो कि आपस में, दे आर सिबलिंग्स टू ईच अदर, देयर विल बी द डिफरेंस इन द हाइट, देयर विल बी द डिफरेंस इन द शेप, देयर विल बी द डिफरेंस इन द फेस स्ट्रक्चर, देयर विल बी द डिफरेंस इन द कलर ऑफ आईज, इन द शेप ऑफ नोज, शेप ऑफ चिन, और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द वेरिएशंस. एंड these variations produce in an organism during successive generation
गेट एक्यूमुलेटेड इन द ऑर्गेनिजम्स, और यही फिर बाद में इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है, ये एक्यूमुलेट होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ऑर्गन, ये जो वेरिएशंस है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है इट इज ऑफ टू टाइप, वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अमाउंट ऑफ वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्मॉल व्हाइल एज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज वेरी मच लार्ज। हेंस वी मस्ट नो दैट इट इज द वेरिएशंस, it is these variations which are accumulated from one generation to another generation. So that was all about today's topic. Have a nice day.